गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपनी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर फिफ्टी एट और फिफ्टी नाइन पर हैं उसे कंप्लीट करेंगे बहुत इजी एक्सरसाइज है चलिए आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर कंप्लीट करेंगे लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज है यहाँ पर प्रोनंसिएशन है पी एल और एस एल का जैसे प्लांट स्लिप स्लाइस प्ले पी एल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और एस एल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं इससे हम जानेंगे देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी है यदि वो पिक्चर पी एल प्रोनाउंस करती हो पी एल से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती हो तो हम पी एल पे सर्कल करेंगे और यदि वो एस एल से स्टार्ट हो रही हो तो हम एस एल पे सर्कल बनाएंगे देखो यहाँ किसकी पिक्चर दी है हमें प्लांट की मतलब प्लांट किस से स्टार्ट होता है पी एल से इसलिए हमने पी एल पे सर्कल बनाया है नेक्स्ट पिक्चर है ब्रेड के स्लाइस की तो स्लाइस किससे स्टार्ट होता है एस एल से इसलिए हमने एस एल पे सर्कल बनाया अब देखो ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है स्लिपिंग तो स्लिप किससे स्टार्ट होता है एस एल से इसलिए सर्कल बनेगा एस एल पर अब सोचो ये बच्चे क्या कर रहे हैं दे आर प्लेइंग प्ले कर रहे हैं तो किस पे सर्कल बनाएंगे हम पी एल पे अंडरस्टूड अब ये क्या है प्लेन है एरोप्लेन तो प्लेन पी एल होगा या एस एल होगा ऑफकोर्स पी एल होगा इसलिए हमने पी एल पे सर्कल बनाया नेक्स्ट है स्लाइड किसकी पिक्चर है ये स्लाइड की तो स्लाइड हमारी एस एल से स्टार्ट होती है इसलिए हमने एस एल पे सर्कल बनाया ये क्या है आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहा है ज़रा बताओ तो ये है प्ले ग्राउंड अब प्ले ग्राउंड किससे स्टार्ट होता है पी एल से और ये है स्लीपर तो स्लीपर हैं एस एल से स्टार्ट हुए हैं ये एस एल से तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पी और पी एल और एस एल का प्रोनाउंसिएशन पार्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी लिसन अगेन रिपीट द वर्ड्स हमें इसे फिर से सुनना है और रिपीट करना है चलो फिर से क्विकली पढ़ लेते हैं प्लांट रिपीट स्लाइस स्लीप प्ले प्लेन स्लाइट प्ले ग्राउंड स्लीपर ओके अब आपको यहाँ पर क्या करना है वॉट कैन यू ईयर लिसन एंड कम्प्लीट सेंटेंस ये एक ऑडियो दिया हुआ है इसे तो आपको सुनना था और क्या करना था सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना था अब हमारे पास ऑडियो तो है ही नहीं अभी तो कैसे सुनेंगे हम तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक एक एक्शन वर्ड इनके साथ में एड करते जाएंगे कोई भी लिख सकते हो ज़रूरी नहीं है आंसर की में है वही लिखेंगे आप कोई भी एक्शन वर्ड अ इज़ क्या कर रहा है एक बॉय तो मैंने यहाँ राइट कर दिया प्लेइंग अ बॉय इज़ प्लेइंग अ गर्ल इज तो मैंने लिख दिया स्लीपिंग अ गर्ल इज़ स्लीपिंग आप चाहे तो अ बॉय इज स्लीपिंग और अ गर्ल इज प्लेइंग भी कर सकते हैं कोई भी एक्शन वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं द चिल्ड्रन आर रनिंग चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं द बॉयज़ मदर इज जो लड़के की मम्मी है वो क्या कर रही हैं कुकिंग फूड द बॉयज मदर इज फ्राइंग जलेबीज एनी थिंग कुछ भी कर सकते हैं हम द डॉक्टर इज लिसनिंग डॉक्टर क्या कर रहा है लिसन कर रहा है टू द गर्ल्स हार्ट बीट गर्ल्स की लड़की की हार्ट बीट को सुन रहा है कैसे हमने देखा था ना डॉक्टर क्या करते हैं सुनते हैं हमारे चेस्ट पर उनका स्टेटोस्कोप लगा कर अब ये बहुत ईजी है वर्क विद अ पार्टनर से वॉट योर पार्टनर इज़ डूइंग आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है और देखना है आपका पार्टनर क्या कर रहा है ये स्पीकिंग स्किल है तो आपको बोल कर ही बताना है सबसे बात करनी है इंग्लिश में देखो जरा आपकी मम्मी क्या कर रही है तो आप मम्मी के लिए कौन सा यहाँ पर सेंटेंस दे सकते हैं तो ये लिख सकते हैं माई मदर इज फ्राइंग जलेबीज माई ब्रदर इज़ क्राइंग डॉक्टर इज़ लिसनिंग टू योर हार्ट My friend is jumping. I am watching TV. They are clapping. Birds are flying. Students are laughing. My stomach is rumbling. A girl is sleeping. My grandfather is listening to the radio. My father is drinking a glass of water, my grandmother is eating an apple and I am going to school. ye ये तो मैंने sentences form kiye किए हैं आप अपने koi कोई भी sentence form kar कर सकते हो aur okay? और ये सेंटेंसेस को आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रदर सिस्टर और अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करना है सो यू विल डू प्रोमिस मी कि आप लोग सभी इंग्लिश के इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे Very good. Have a nice day to all. Bye.